स्थान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का वो तबका है जो अब तक वंचित था, गरीब था, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसी उद्देश्य से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और ये मुझे प्रसन्नता है कि मुझे कल भी और आज भी इन सभी यात्राओं में शामिल होने का अवसर गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ हुआ है। बहनों भाइयों, कोई कल्पना नहीं करता था। याद करिए, इन 10 वर्षों में देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले, उत्तर प्रदेश में 55.5 लाख गरीबों को एक एक आवास मिल गया, गोरखपुर में भी हर गरीब को आवास मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए शहरी क्षेत्र में, 1,20,000 ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय अलग, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी अलग, 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पिछले 3.5 वर्ष से अधिक समय से प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करेंगे, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, अनगिनत ऐसी योजनाएं जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है। तो यह विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, रोजगार भी है, किसानों का सम्मान भी है और महिलाओं की सुरक्षा भी है, नए नए उद्योग भी आ रहे हैं। और इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुई है। मैं आज के इस अवसर पर इस भीषण शीतलहरी में इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति इस बात को दिखाती है कि आप तक विकास की योजना का लाभ पहुंचा है। यह दिखाता है कि आप सब शासन की योजना के साथ आगे जुड़ना चाहते हैं। आज आप गोरखपुर को बदलते हुए गोरखपुर को भी देख रहे होंगे, हर रोड सड़कों का जाल फैलना है। पहले बिजली नहीं मिलती थी, पहले इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत होती थी, सरकार की कानों में जू नहीं रेंगता था। आज तो गोरखपुर में एम्स भी है और फर्टिलाइजर के साथ साथ तमाम अन्य संस्थान भी हैं। बियाड़ी मेडिकल कॉलेज जो पहले बीमार था आज बीमारों का उपचार कर रहा है। भाइयों बहनों, यही है परिवर्तन। रामगढ़ ताल आप देखिए, शाम के समय जाइए, कितनी चमकता, कितना चमकता है। पहले अपराध होता था, अपराध का गढ़ था। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन इसलिए लाया गया है जिससे आप भी सुख और समृद्धि के जीवन के साथ आगे बढ़ सके। और इसी विश्वास के साथ अब ये कार्यक्रम तेजी के साथ 26 जनवरी तक चलेगा। जहां भी हमें अवसर मिलेगा हम इसके साथ जुड़े, पूरा स्वागत करें। जिन गरीबों को मिल चुका है वे अन्य को भी अवगत कराएं, जिससे कोई भी वंचित न रहने पाए। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का संकल्प है। और 2047 आते आते हम भारत को दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में विकसित कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, आप सबको खिचड़ी त्योहार की, और 22 जनवरी को प्रभु राम अयोध्या में 500 वर्षों के बाद विराजमान हो रहे हैं, इसकी अभी से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब अपने पवित्र संकल्प के साथ जो उस दिन के लिए हम लोगों के लिए कार्यक्रम निर्धारित है उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।